हेलो, आज का जो हमारा टॉपिक है मोशन इन टू डायमेंशन। इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया है कि मोशन इन वन डायमेंशन फर्स्ट ईयर के थर्ड चैप्टर के अंदर, वन डी वन डायमेंशन मोशन, जिसको हम कहते हैं लीनियर मोशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लीनियर मोशन। मोशन क्या है? इफ़ ए बॉडी चेंज इट पोजिशन, अगर कोई बॉडी अपनी पोजिशन चेंज कर रही है तो उसको हम क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोशन इन टू डायमेंशन। ये बेसिकली चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास। कि कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर का, मोशन इन टू डायमेंशन। इससे पहले हमने लीनियर मोशन के बारे में पढ़ा है। लीनियर मोशन में क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट या तो फिर हॉरिजेंटल मूव करे, क्या करे? इफ ऑब्जेक्ट मूव इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन और इफ ऑब्जेक्ट मूव इन वर्टिकल, इन वन टाइम इट कवर ओनली वन एक्सिस। एक टाइम के ऊपर एक ही एक्सिस कवर कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, तो उसको हम क्या कहते हैं? वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। या कोई किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर हम थ्रो कर रहे हैं या किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हैं नीचे की तरफ वर्टिकली, तो हमारे पास वो भी क्या है? वन डायमेंशनल मोशन होती है। या फिर हॉरिजॉन्टल मोशन है, इफ कार ट्रेवलिंग ऑन अलॉन्ग द रोड, अगर हमारे पास कार कोई रोड के ऊपर मूव कर रही है, तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है? वन डायमेंशनल मोशन है, क्योंकि हमारे पास जो बॉडी है वो या तो फिर एक्स एक्सिस में ट्रेवल करेगी या फिर वाई एक्सिस के अंदर ट्रेवल करेगी। एक टाइम के ऊपर एक ही एक्सिस में कवर करेगी, ठीक है? उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे? एक ही एक्सिस यूज करेंगे। अगर हम एक ही एक्सिस यूज करें तो उसको हम क्या कहते हैं? लीनियर मोशन कहा जाता है या वन डायमेंशनल मोशन कहा जाता है। ये हमने इसके लिए इस स्टडी के दौरान हमने क्या पढ़ा कि हमने इसके डिस्प्लेसमेंट के वेलोसिटी एक्सलेशन एंड डिफरेंट पैरामीटर वी एनालाइज बाय यूजिंग ए लीनियर मोशन, जिट्स अ वेरी सिंपल मोशन। लीनियर मोशन हमें समझना है तो वेरी वो क्या है हमारे पास? बिल्कुल वेरी सिंपल है, ठीक है? उसको हम इक्वेशन हमारे पास डिफरेंट इक्वेशन ऑफ मोशन में देखिए, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और हमारे पास वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, हमारे पास वो एक इक्वेशन है दैट इज नॉन द टू एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर वी आई स्क्वायर। ये इक्वेशन हम पहले पढ़ के काम लीनियर मोशन के अंदर, वन डायमेंशनल मोशन मीन वो मोशन जहाँ पर क्या हो, एक टाइम के ऊपर एक ही एक्सिस कवर किया जा रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वन डायमेंशनल मोशन कहा जाता है। अब जो हमारे पास जो मोशन है उसको हम कहते हैं मोशन इन टू डायमेंशन। एक टाइम के ऊपर दो एक्सिस कोई बॉडी अगर कवर कर रही है तो उसको क्या कहते हैं? मोशन इन टू डायमेंशन, मोशन इन टू डायमेंशन, और इन अदर वर्ड द मोशन इन ए प्लेन, ए ऑब्जेक्ट विच मूव इन ए प्लेन। अगर हम इस तरह भी कह सकते हैं मोशन इन टू डायमेंशन, अगर डिफाइन करना है द ऑब्जेक्ट मूव इन ए प्लेन, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लेन के अंदर मूव कर रहा है तो हमारे पास जो मोशन होती है वो क्या होती है? वन डायमेंशनल नहीं के वो टू डायमेंशनल मोशन कहा जाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि एक ही टाइम के ऊपर ये हमारे पास क्या वाई एक्सिस है वर्टिकल एक्सिस, और ये हमारे पास क्या है हॉरिजेंटल एक्सिस। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से क्या करें, ओरिजिन से, ओरिजिन यहाँ पर क्या है जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइन कट करी हो हमारे पास पॉइंट कौन सी है? ओरिजिन कहा जाता है, जहाँ पर क्या होता है 0 0। इस पॉइंट के ऊपर ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है वाई एक्सिस है, ठीक है? जहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो, 0 हो, तो उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं? ओरिजिन कहा जाता है, ठीक है? अगर यहाँ से हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से हम थ्रो कर रहे हैं, जैसे क्या करें, मैं इस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया यहाँ से, इट कवर एट वन टाइम अलॉन्ग हॉरिजेंटल एक्सिस एंड ऑल्सो एंड अलॉन्ग द वर्टिकल एक्सिस। एक ही टाइम के ऊपर वो क्या कर रहा है? एक्स एक्सिस के अंदर लॉन्ग मूव कर रहा है ना, ऑल्सो वाई एक्सिस, कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर कर रहा है और वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर कर रहा है, ठीक है? तो हमारे इस तरह की जो मोशन होती है उसको हम क्या कहते हैं? मोशन इन टू डायमेंशन कहा जाता है। बेसिकली ये जो पार्ट मोशन का, इसको हम क्या कहते हैं? इन अदर वर्ड प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन।
प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द मोशन इन टू डायमेंशन। इसी तरह से हमारे पे एक और मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सर्कुलर मोशन भी कहा जाता है। ये हमारे पास क्या एक्स एक्सिस और ये हमारे पास क्या है वाई एक्सिस। कोई ऑब्जेक्ट एक ही टाइम के ऊपर एक सिंगल एक्सिस कवर कर रहा है, क्या है, जैसे मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया अलोंग एक्स एंड अलोंग वाई। देखें ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, एक ही टाइम के ऊपर एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस के अंदर ट्रेवल कर रहा है। तो ये जो मोशन है ये कौन सी है बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। कौन सी है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो मीन देर आर टू एग्जाम्पल, वन इज द प्रोजेक्टाइल मोशन एंड अदर वन इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दीज टू एग्जाम्पल आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द मोशन एंड टू डायमेंशन। तो पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर और बाद में हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के ऊपर। अब प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर डिस्कस हमें क्या करना है कि डिफरेंट पॉइंट है, जैसे हमारे पास आगे हम डिस्कस करें हाउ वी डिफाइन द प्रोजेक्टाइल मोशन, हाउ वी फाइंड हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाउ वी फाइंड द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब जो हमारे पास जो टॉपिक है वो कौन सा है, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन इट्स अ मोशन इन टू डायमेंशन, इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं ये कौन सी मोशन है, टू डी मोशन है, टू डायमेंशनल मोशन। इसमें हमारे पास क्या होता है कि ए बॉडी और ऑब्जेक्ट विच इज इन ए फ्लाइट थ्रू द एयर और एटमोसफेयर अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड ए प्रोजेक्टाइल मोशन। उसको हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। और मोशन इन प्लेन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। या हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करे, फ्लाइट कर रहा हो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो हम क्या कहेंगे उसको, प्रोजेक्टाइल। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है। और जहाँ पे दोनों पॉइंट एक दूसरे को कट करी ये हमारे पास क्या बनेगा, ओरिजिन बनेगा। और यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो कर रहे हैं, ये हमारे पास अलॉन्ग एक्स एक्सिस और अलॉन्ग वाई एक्सिस मूव कर रहा है। जो डिस्टेंस अलॉन्ग एक्स एक्सिस है इसको हम क्या कहते हैं, इन लैंग्वेज ऑफ मोशन हम क्या कहते हैं, दैट नॉन द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का जाता है प्रोजेक्टाइल। और जो इसका वर्टिकल डिस्टेंस इसको मैक्सिमम हाइट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मैक्सिमम हाइट। द वर्टिकल डिस्टेंस जो है उसको हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम हाइट। ये जो पॉइंट होगी जहाँ पर वो क्या है मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम हाइट। इट मूव विथ सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी, इसको हमने क्या की, कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी, दैट वेलोसिटी नोन द वी नॉट, दैट वेलोसिटी इज नोन द वी नॉट। द ऑब्जेक्ट मूव अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ये ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास क्या है, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव कर रहा है, ठीक है। और इस कंडीशन के अंदर ग्रेविटी जो हम प्रोजेक्टाइल में क्या लेते हैं, माइनस जी में कंसीडर कर रहे होते हैं। अब हमारे पास क्या है, इसका जो ये पाथ जो फॉलो किया जा रहा है, इस पाथ को हम क्या कहते हैं, पैराबोला पाथ कहा जाता है। कौन सा, पैराबोलिक पाथ है। इसको हम बाद में प्रूव करेंगे ये पाथ वैसे पैराबोलिक कैसे है, ठीक है, बाय यूजिंग डिफरेंट इक्वेशन पैराबोलिक। इसको इन अदर वर्ड हम क्या कहते हैं, ट्रेजेक्ट्री कहा जाता है। ट्रेजेक्ट्री बेसिकली क्या होता है कि द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल। द पाथ जो रास्ता फॉलो कर रहा है कौन, प्रोजेक्टाइल, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेजेक्ट्री कहा जाता है। द पाथ फॉलोड बाय
प्रोजेक्टाइल इज गॉल ट्रेजेक्ट्री, उसको क्या कहा जाता है, ट्रेजेक्ट्री कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ट्रेजेक्ट्री, द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ए ट्रेजेक्ट्री, जो ये रास्ता फॉलो कर रहे हैं इस रास्ते को हम क्या कहते हैं, ट्रेजेक्ट्री कहा जाता है, द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ए ट्रेजेक्ट्री। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल की कंडीशन थी, मीन जो ये मोशन है जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये मोशन क्या है, इनडिपेंडेंट ईच अदर है, जो y की मोशन x पे डिपेंड नहीं कर रही और x की मोशन y के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन के हमारे पास डेली लाइफ की कोर्स से एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल हमारे पास सम एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, मिसाइल शूट फ्रॉम द गन, जैसे मिसाइल जो शूट होता है गन से तो हमारे पास क्या है, प्रोजेक्टाइल है, क्योंकि उसका जो पाथ होता है हमारे पास क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, ठीक है। ये मिसाइल शूट फ्रॉम ए गन, मिसाइल जो शूट हो रहा है गन से हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन है। इन अदर वर्ड दूसरी हमारे पास कंडीशन है कि ए बॉम्ब रिलीज फ्रॉम बॉम्बार प्लेन, एक बॉम्ब जो रिलीज किया जाता है, बॉम्ब रिलीज फ्रॉम बॉम्बार प्लेन, ये बॉम्ब जो रिलीज हो रहा है बॉम्बार प्लेन से, वो भी हमारे पास क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। किक का थ्रो ने बॉल, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम क्या करें, किक मार रहे हैं या हम उसको थ्रो कर रहे हैं, तो अभी वो भी हमारे पास क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है। किक और थ्रो ने बॉल, थ्रो ने ये बॉल, अगर किसी बॉल को हम क्या करें, थ्रो कर रहे हैं एक टाइम के, अगर थ्रो करेंगे तो क्या हुआ, वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर करेगा और वर्टिकल डिस्टेंस की भी कवर करेगा। अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस एक ही टाइम के ऊपर हो रहा है तो हम उसको क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ये हमारे पास क्या थे, कुछ एग्जांपल थे अबाउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, कुछ अजम्पशन होते हैं, अब उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द अजम्पशन टू परफॉर्म ए प्रोजेक्टाइल मोशन, कौन से अजम्पशन को यूज करेंगे हम प्रोजेक्टाइल मोशन को करने के लिए। अजम्पशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन, अजम्पशन टू परफॉर्म ए प्रोजेक्टाइल मोशन, वो कौन से अजम्पशन है जिनको यूज करते हुए हम क्या करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन को परफॉर्म कर रहे होते हैं या एनालाइज करते हैं, ठीक है। फर्स्ट अजम्पशन है, उसमें हम क्या करते हैं, जो प्रोजेक्टाइल परफॉर्म करने के दौरान एयर रेजिस्टेंस को निग्लिजिबल कंसीडर करते हैं, इट मीन्स देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस का जो इफेक्ट होगा वो बिल्कुल जीरो कंसीडर करेंगे, ना होने के बराबर होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर फर्स्ट अजम्पशन ये है, अगर हमारे पास क्या हो, अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, अगर उसके अंदर एयर रेजिस्टेंस हो, तो जो हमारे प्रोजेक्टाइल का पाथ समटाइम ऐसे भी हो सकता है ड्यू टू सम फोर्स ऑफ द एयर ऑन द प्रोजेक्टाइल मोशन। वैसे हम ये कंसीडर करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ इस तरह से होगा, पर अगर सामने से एयर होती है तो क्या होती है, उसकी वेलोसिटी जो है वो कम कर देती है, जो आइडियल पाथ हमें चाहिए वो नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, जब प्रोजेक्टाइल मोशन कंसीडर कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट हम ज़ीरो कंसीडर कर देंगे, ठीक है। और दूसरी ये चीज़ है कि रोटेशन ऑफ अर्थ डज नॉट इफेक्ट ऑन द मोशन ऑफ बॉडी, कि जो रोटेशन ऑफ अर्थ है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है किसके ऊपर, प्रोजेक्टाइल के ऊपर। द रोटेशन ऑफ अर्थ does not affect the motion, rotation of earth का कोई effect नहीं होगा motion के ऊपर। third point ये कि value of g is constant in the range of projectile, कि जो हम g की value जो होगी, क्योंकि हम
बिकॉज वी आर परफॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ पे अगर प्रोजेक्टाइल परफॉर्म कर रहे हैं तो इन द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, उसकी हाइट कम होती है, इन द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल सरफेस के ऊपर हम क्या करेंगे, उसकी जो जी की वैल्यू है वो कॉन्स्टेंट लेंगे। तो जी की वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैल्यू ऑफ एक्सलरेशन, वैल्यू ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉन्स्टेंट, जो क्या होगी, कॉन्स्टेंट होगी इन द रेंज ऑफ, इन द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल की रेंज में हमारे पास क्या होगा कि जो वैल्यू है किसकी, जी की, वो हम क्या कंसीडर करेंगे, कॉन्स्टेंट कंसीडर करेंगे। ये हमारे पास तीन अजम्पशन है जो हम कंसीडर कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये भी सुन लें कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन की जो मोशन होती है ये क्या इनडिपेंडेंट है ईच अदर के, एक्स की मोशन वाई पे नहीं डिपेंड करी और वाई की जो मोशन है वो एक्स पे डिपेंड नहीं करी।